नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन के मौके पर नगर निगम BCCL द्वारा संचालित रेड बस में महिलाओं को निशुल्क यात्रा कराई गई। BCCL के अध्यक्ष मनोज राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बहनों को यह सौगात दी गई ताकि वह इन बसों के माध्यम से अपने भाइयों के पास पहुंचकर रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मना सके। उन्होंने बताया कि निशुल्क यात्रा के दौरान बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उन्हें चॉकलेट खिलाई गई। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के इस अवसर पर बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दिया है कि एक बार फिर से वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दरअसल भोपाल में 25 रूट पर महिलाओं के लिए निशुल्क बसें चलाई गई हैं। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और हमारी महापौर श्रीमती मालती द्वारा BCCL ने जितनी भी बसें चल रही हैं उसमें निःशुल्क आज हमारी बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए फ्री बसें करी हैं। अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने के लिए फ्री सेवा दी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने बहनों के लिए इतना काम किया और बहनों की चिंता ही करते हैं हमेशा। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी, इसके माध्यम से बहनों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारी सभी बहनें बहुत खुश हैं। उनको आज हमने मिठाई के तौर पर ट्रॉफी भी खिलाई है, उनकी पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत भी किया है, अभिनंदन भी किया और सभी बहनों ने आशीर्वाद दिया है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बहन बनेंगे नहीं बनेंगे, एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। आप सबका इस अवसर पर पूरा स्वागत है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।